बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद हलीमा पासी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों बाद एक बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो लेकर आई हूँ, तंदूरी चिकन सैंडविच। इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए आइए झटपट से अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैं सबसे पहले 250 ग्राम चिकन ले लूँगी। मैंने बोनलेस चिकन ली है, इसको मैंने इस तरह जूलियन कट काट लिया है। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून तंदूरी मसाला डाल दूँगी। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। दही लूँगी मैं 1/4 कप। इसके साथ ही नमक ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। याद रखिएगा कि तंदूरी मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। लेमन जूस लूंगी मैं 2 टी स्पून। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन में बहुत अच्छे से मसाला हमारा लग चुका है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए आइए अपनी चिकन कुक करते हैं। पैन में मैं किसी भी किस्म का कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग सैंडविच बना रहे हैं तो हमें ऑयली चिकन नहीं चाहिए। अब जितनी भी मैंने चिकन में मसाला लगाया था सब मैं पैन में ऐड कर दूँगी। अभी जो है मैंने फ्लेम हाई रखा हुआ है और इसको हम मिक्स करते रहेंगे बहुत अच्छे से, ताकि हमारी चिकन जो है वो नीचे ना लगे। और इसमें हम लोग पानी भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दही और चिकन अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेंगे, तो उसी में जो है हमारी चिकन पक जाएगी। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और मेरे YouTube चैनल के लिए कोई सजेशन है, कोई कंप्लेन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपना चैनल किस तरह इम्प्रूव कर सकती हूँ, या आप लोगों को किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हलीम अब्बासी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर है, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जब तक यहाँ पे हमारी चिकन कुक हो रही है, तो चलिए आइए हम लोग अपनी कोल्सलो रेडी कर लेते हैं। उस वक्त तक कोल्सलो बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बंद गोभी ली है, इसको मैंने हाफ कट कर लिया था। इसके साथ ही मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड करूँगी 1/2 कप। हाफ टी स्पून जो है हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। मेयोनीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्लैक पेपर लेंगे 1/2 टी स्पून। और अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोल्सलो हमारी यहाँ बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। चलिए इस साथ साथ हम चिकन भी चेक कर लेते हैं। चिकन हमारी तकरीबन कुक हो चुकी है। अब हम अंडा फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। 2 अंडे लिए थे मैंने, इसमें 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करा है, 1/2 टी स्पून नमक, 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें मिल्क ऐड करा है, इससे हमारा अंडा बहुत अच्छा बनेगा। और लेमन कलर मैंने यूज़ करा है यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स, इससे अंडे में जो है हमारा बहुत अच्छा सा कलर जनरेट होगा। इसको बहुत अच्छे से हम लोग बीट कर लेंगे। अंडा हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से बीट हो चुका है। चलिए आइए इसको फ्राई करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड करा है। ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे। अभी हमने अपना अंडा फेटा था वो इसमें डाल देंगे। अब
जी देखिए अंडा हमारा कितने अच्छे से फूला फूला सा बना है। अंडा हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम अपनी ब्रेड जो है वो टोस्ट कर लेंगे। एक ग्रिल पैन लेंगे, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉर्मल फ्राई पैन या तवा आप ले सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा हमने इसको सेकना है, ये इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग जो भी सॉस वगैरह इस पर लगाएंगे तो वो ब्रेड पे जो है वो जल्द ना हो। ये देखें ब्रेड पे हमारे कितने अच्छे से बिल्कुल हल्का हल्का सा कलर आया है। बहुत ज़्यादा इसको हम लोगों ने डार्क कलर नहीं देना है। ब्रेड हमारे यहाँ पे रेडी है, कोल्सलो रेडी है, चिकन भी हमारी रेडी है और कुछ वेजेस मैंने कट कर ली थी। जैसे मैंने एक खीरा लिया था उसको सब पत्ता पत्ता काट लिया था और एक मैंने टमाटर लिया था, इन दोनों चीज़ों को मैंने कट कर लिया था। तो चलिए ये अपना सैंडविच असेंबल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्रेड के स्लाइस जो हमने टोस्ट करे थे वो रख लिए थे। अब मैं इनके ऊपर सबसे पहले जो है जो हमने कोल्सलो रेडी करी थी वो लगाऊंगी एक स्लाइस पे बहुत अच्छे से। आप इसमें और वेजेस भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, जो भी आपको पसंद हो या जो पसंद नहीं है वो आप लोग निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम टमाटर के स्लाइसेस रखेंगे। और उसके ऊपर हम लोग जो है हमने जो अंडा फ्राई करा था वो रखेंगे। अब जो हमने एक और स्लाइस टोस्ट करा था वो इसके ऊपर हम लोग रख देंगे। दोबारा कोल्सलो लगाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविच तैयार होते हैं, तो ये सैंडविच आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। शाम में चाय के साथ आप लोग ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होते हैं सैंडविच और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि इसमें चिकन है, अंडा है, बहुत ही अच्छे हैं ये सैंडविच। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद हमने खीरा रख दिया था। खीरे के ऊपर जो हम लोगों ने चिकन कुक करी थी वो ऐड कर देंगे। अब हम एक जो ब्रेड का स्लाइस हमारा रह गया था वो भी इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें कितना मज़ेदार सा सैंडविच तैयार हुआ है। अब हम लोग इसके किनारे कट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो कट कर सकते हैं और अगर नहीं कट करना तो आप लोग ऐसे ही इसको जो है सर्व कर सकते हैं। सैंडविच के मैंने यहाँ पे सारे किनारे कट कर लिए हैं। अब मैं इसको बीच में से हाफ कर लूँगी।
और अब अगर आप लोग चाहें तो आप हाफ सैंडविच भी इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसके एक और पीस करूंगी। ये काफ़ी बड़ा और अच्छा हेल्दी सैंडविच होता है ये। मज़ेदार से सैंडविच हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको हम बहुत ही खूबसूरत से प्लेटर में सर्व करेंगे। साथ में आप लोग फ्रेंच फ्राइज फ्राई करिए और बच्चों को दीजिए, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। मैं आपको इसकी लेयरिंग दिखा देती हूँ, कितनी ज़बरदस्त सी जो है इसकी लेयरिंग आई है। ये देखें, चिकन कुकम्बर हर चीज़ इसकी नज़र आ रही है। फ्रेंच फ्राइज के साथ इसको सर्व करिए, बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।